तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं बंदे तो भाई हम लोग इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड डार्क कॉमेडियंस को यहाँ पे रोस्ट करने वाले हैं। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया, बताती हूँ क्या हुआ। रात को मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से दो लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार, छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। भैंजे 2 पैसे तो कमाई थी। और बताओ तुम लोग इनके लिए प्रोटेस्ट करते हो? बताओ इज्जत बेच के इसने 2.5 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है, और वो इससे लूट गए। 2.5 लाख रुपए लेके जा कहाँ रही थी ये मदद? इज्जत बचाने। इस बार इज्जत बच गई। कितना बार इसको इज्जत बेचना पड़ा होगा कि ये 2.5 लाख रुपया इकट्ठा करवाई होगी। इतना नीचे जाना नहीं चाह रहा था कि जाना पड़ेगा क्या हम लोग को? वी हैव टू ब्रो, समाज में से इसे निकालो भाई, इसको निकाल दो समाज से, इसको समाज से निकाल दो भाई। मैं अपनी जवान नहीं गंदी करना चाहता इसके चक्कर तो मैं अपनी जवान थोड़ी साफ रखते हुए बोल देता हूँ, 2.5 लाख बार इसको इज्जत देनी पड़ी होगी तब जाके 2.5 लाख रुपए कमा पाई होगी। 1 रुपए का एक बार। नेक्स्ट तब से दिमाग खाए जा रही है। अब मैं तुझे बताऊंगी दिमाग खाना बोलते किसको है। ये तो ये डार्क हो गया क्या? वो डार्क नहीं हो गया, इसको यहाँ पे वो दिखा भाई, वो उसको क्या बोलते हैं जो किलिंग किलिंग करने लगते हैं लोग, पागल भड़वी बोल दो ना, काफी है इसके लिए। भाई ये हालत है भाई इसकी, सीजर किलर, दिमाग खाएगी है। बढ़ाओ भाई आगे। अबे भाई तुझे समझ क्यों नहीं आती है, मुझे गॉथ गर्ल पसंद है जो एकदम डोमिनेटिंग हो, वो जाली वाली पहनती है ना, वो से वैसे वाली। ये बड़ा फोन नहीं दिखी। गॉथ गर्ल है ना ये। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है, कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है, तुम लोगों को क्या लगता है? ये दिखा रही है घर में मार खाती है तुम्हें, हाँ उसके लिए वैसे इसी एक चोट लगी रहती है। तो भाई कोई गलत बात नहीं है ना, माँ को मार पड़ना चाहिए फिर, अगर ऐसा प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है, पहले थोड़ी मारा होगा कभी इस इंसान ने अपनी वाइफ को, इस बिटिया का उसने वो देखा होगा इंस्टाग्राम चैनल देखने के बाद, उसने सोचा होगा कि अब टाइम आ गया है कि मर्द को वापस से अपना वो दारोमदार संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिटिया देख नहीं रहे हो कैसे गेंज ही मरवा ली रही है जगह जगह। मतलब तेरा गोल क्या है? मेरी लाइफ का दो ही गोल है। क्या? मेरे बूब्स। What is this behavior, मेरे? What is this behavior? क्या कर रहा है भाई ये सोशल मीडिया पे? जो उनकी और लौंडे बूब्स बोल दी, डार्क हो गया, मार खा गई, ये सब देख देख के भाई लौंडे ही तो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और लड़कियां थोड़ी देख रही होंगी ये सब। लड़कियों भाई मैं तो कह रहा हूँ कि एक सफाई अभियान चलाना चाहिए इन सबको। सबको लगता है मैं एक चांदल किस्म की औरत हूँ, मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, लेकिन मेरे घर आज रिलेटिव का बच्चा आया था तो उसको आज मैं खुश करूंगी। आइसक्रीम खाएगा ये ले, अब चलना। हो गया भाई डार्क, बहुत डार्क हो गया ये, मतलब कुछ भी कर दो मारा क्यों, लेकिन इसको जो देती नहीं तो फिर डार्क कैसे बनेगी? सेजल है ना। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। सर्च कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले, यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले, फिर मैंने उसके बाद भोसड़ी के ये क्या था भाई, भाई ये मैंने देखो भाई देन भाई एकदम जीव छुआया हुआ है ये भाई, कहाँ तक चले गए भाई ये लोग। शाहरुख खान ने नहीं हंगा हुआ, भोसड़ी का कोई तो हंगा हुआ वहां पे जाके। अरे यार भाई ये क्या था भाई, तुम समझ रहे हो भाई भाई किस
हद तक वो गिर रही है सिर्फ कि हाँ फेम मिल जाए उसको। मिल जाए भाई, मैं चाहता हूँ बंद कर देते हैं इसको, मारे मुझे नहीं देखना भाई ये। बट जनता को तो यही पसंद है ना कि इतने रिएक्ट करो भाई, मुझे दिखे भी ना, मेरे चैनल को आई नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको ब्लॉक भाई। पहली बार मैंने इसका वो खोला है, क्या बोलता हूँ, प्रोफाइल। हाँ मुझे ऐसा है, मीम पे ही दिखी है जितना भी दिखी है, बट लोगो मैं उसको आज सर्च करके ब्लॉक कर दूंगा ताकि मुझे गलती से भी ना दिखे इसका चैनल। नहीं काजल पांडे, इसने वॉशरूम वॉशरूम नहीं चाटा है, बट ये होती ना गांड मराना, वो इसने भी कर रखा है। क्या नाम था? काजल पांडे। देख लो 2 मिलियन, 11 मिलियन, 2.7 मिलियन, ऐसे तो ठीक ही लग रही है। श्रद्धा कपूर लोग लाए, अभी बातें तो सुनो इसकी, तो बंदे की और होनी है, वही स्टार्ट करें फिर। गाइस अब हम लोग देखने जा रहे हैं काजल पांडे को। तुमने देखा इसको पहले? नहीं, इंस्टा पे भी नहीं देखा है भाई, इंस्टा कम यूज करता है, बचा हुआ है इस गंदगी से, बट हम नहीं बचने देंगे। एट द एंड तो बनना यूट्यूबर ही है ना, तो दिखाते हैं अपनी अच्छी खासी आओ की ओरिजिनल वीडियो ये होनी चाहिए, श्रद्धा कपूर की ओरिजिनल वीडियो ये होनी चाहिए, बट पता नहीं कैसे श्रद्धा कपूर बन गई उसकी वीडियो किसने बोला। तो ये देखते हैं भाई। आज मेरी मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलोमीटर पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। मतलब वो बॉयफ्रेंड का भी वो काट डाला भाई, अगर ये बातें लड़का करते हैं ना भाई, हाँ। तो भाई उसके लिए ना इंसान उसको जीना आराम आएगा फिर सोसाइटी में। भाई अब तक इंस्टाग्राम पे इतना सारा वो लग गया होता, वो वायलेशन पॉलिसीज कि तुमने इतना गलत बात कैसे बोल दिया। तो भाई इतने इन्फ्लुएंसर्स को पेल देते हैं ना भाई इंस्टाग्राम, उसके आस पास वाले वो जीना आराम रहता भाई, फिर ये इतना जो कर देगा भाई, क्या सीन है देख रहा है दुनिया भाई, देखे दूसरा देखते इसका किया। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। भाई क्या बेच रही हो तुम, क्यों बेच रही हो? अब तक तो बहुत लोगों ने खा लिया होगा भाई, जा ही रही भाई, सबको क्या कर रही हो, तो बोल ही रही मैं सैंडविच बेच रही हूँ, ज्यादा दिन खा तो लो बन लिख घूम रही। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। बताओ ये था क्या, आगे वाला दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा, रोशनदान, नया छेदा कहाँ बनेगा गाइस, नया छेदा कहाँ बनेगा है? बताओ कैसे होगा ये। तो मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी, क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। अरे भाई 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 साहब, ये भाई कितने नीचे गिरेगी भाई, रो मतलब मेरे दोस्त का हाथ कट जाए और मैं लौंडों की जिस स्पॉट गांड में होती है तो मैं अपनी गांड में डाल लूं उसको तेल लगा के। अरे भाई पैराशूट वालों तुम ही इसके ऊपर केस कर दो। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, जिनको मैंने गिलास में चाय दे दी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकती। मेडिकल वालों को स्वाद आ गया यार देख के। इसको ना अब हमें लगता है आजकल की नई जनरेशन को थेरेपिस्ट की जरूरत है बहुत ज्यादा भाई। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा, जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा ना रहे। भाई ये ज्यादा शराबी बना था भाई, इसका दिक्कत तो ये है भाई, ये क्या कर रहे हो, वो धार तुम रिकॉर्ड कैसे कर ले गई, ये समता तो तुम्हारे अंदर है नहीं, या फिर तुसी वो हो, बकला बोलते हैं वहां पे फिलीपींस साइड ऐसे हो। सड़क बैठ के कैमरा चला रही है, सड़क पे बैठ के कैमरा चल जाएगा तो जाएगा, बस ये धार कैसे आएगी, इतना सटीक धार तो जिसके पास काबिलियत हो वही निकाल सकता है।
आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पर चली गई, फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। क्या टॉप देखती हो क्या बिटिया तुम भी? मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? मैंने नोटिस किया भाई, भाई लड़कियां क्या कर रही भाई ये? तो आप बताओ गाइस, ये ऐसा इनसेंसिटिव बात कर रही है ना, यूट्यूब चैनल भी होगा इसका, वहां पे भी ये सब कर रही होगी, मोनेटाइजेशन भी होगा, उठा भी रही है। मतलब मेरा जाहिर बस एक ही मुद्दा है कि लोग इसको कमेंट में सिर्फ गाली दे रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? तो है, मैं कह रहा हूँ बातें इतनी छाटू आते अलाउ कैसे है तो करना। और अभी मैं कह रहा हूँ ये लड़की कर दे रही तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसने तो खुद से बोल दिया, लड़का बोल रहा तो उसको पहले दे रहे हैं, पहले दे देते। इस चीज के लिए इंडिया में तो भाई लॉन्डो की गांड टूट जाएगी, तुरंत पेल ले जाएंगे, या तो काफी पहुंचा हुआ नाम हो तब एक बार को बच सकता है, बट बचेगा तो इंसान को जल्दी पेल और गांड पड़ती है फिर तो उसकी। सही बात है भाई, कमेंट में देख रहा हूँ लोग कैसे, ओ माई फ्यूचर इज लेस डार्कर देन हर ह्यूमर, बहन चोर ट्यूमर है उसके दिमाग में, ऐसी बातें कर रही है वो, ट्यूमर थोड़ी है इसका दिमाग, पहले चीज लड़की को। इसमें ये इसने लिखा है, कमेंट पढ़ देंगे भाई, तब बोलोगे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रंडी बोलते हैं तो भाई, सही बोल रहा है। ऐसी बात है भाई, ये लोग कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके छोड़ दे रहे हैं, उसने कमेंट देखना ही नहीं होगा, क्या ही करेगा, उसको पता है कि खुश हो रही होगी भाई, ऐसी बात खुद से नहीं कर सकती है तो कमेंट कर तो खुशी होगी, जैसे हम लोग खुश होते हैं लोग गरी आते हैं तो, बट हमारा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है कि इस तरीके से हम लोग भाई रेप में थोड़ी हम लोग ऐसे इस तरीके से ह्यूमरसली, ये सब आपस की बातें हैं भाई, ये सब आपस तक ही रहने दो, पब्लिकली बोलने वाले नहीं है भाई, पर्जी के अपने लिए ही, मतलब हाँ खुद आपस में एक ह्यूमर में आदमी बात कर रहा होगा तो पब्लिकली तो नहीं कर सकता इस तरीके से, ये तो अकेले बोल रही है बहन जो, ये भी नहीं कि किसी और के साथ बोलती हो, अब और देखना जो मतलब नहीं छोड़ो मजा आने लगे भाई, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया आवाज उसी में आया होगा जो आया होगा, चलो कैश देखते हैं, कोई बात नहीं गाइस, माइक में के लिए छोड़ गया है फिर से इस बार, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, बट ऐसे ही आएगा शॉर्ट्स, खत्म करते हैं ये पैसा वाला, ठीक है।